बिस्मिल्लाहमान दोस्तों उम्मीद आप सब खैराफियत से होंगे शोलों का कफन एपिसोड नाइन दूसरे दिन राजा रतन सिंह ने रामदेव से पूछा महाराज क्या आपने दिल्ली के राजदूत पर काबू पा लिया राजा रतन सिंह बड़े हसरत आमेज लहजे में पूछ रहा था सुल्तान का वो खुफिया पैगाम क्या है हमारे विचार में तो आपने अब तक राजदूत का धर्म भी बदल डाला होगा नहीं, राजपूत सम्राट मैं ऐसा नहीं कर सका रामदेव के लहजे से निदामत का इजहार हो रहा था राजदूत एक बड़ा जादूगर है जिस पर काबू पाना इतना सहल नहीं है फिर राजा रतन सिंह सर से पांव तक एक सवाल बनकर रह गया था राजदूत या उसके सुल्तान से हमें इतना खतरा नहीं जितना घर के भेदियों से है रामदेव की अयरियों का कारोबार शुरू हो गया था महाराज आप क्या कहना चाहते हैं रतन सिंह उस इंकशाफ पर वह जदा नजर आने लगा था यह घर के भेदी आपकी लंका को ढा देना चाहते हैं वो कौन पापी है महाराज शिद्दत गज में राजा रतन सिंह अपनी नशीत से उठ खड़ा हुआ था मैंने ग्रहण की इस रात को बेकार नहीं गंवाया है सम्राट मैंने आपके लिए चित्तौड़ के लिए महान राजपूतों के लिए अपने चेहरे का बलिदान दिया है ये कहकर रामदेव ने अपने चेहरे पर लिपटी हुई स्याह चादर हटा दी राजा रतन सिंह और महामंत्री रामदेव का झुलसा हुआ चेहरा देखकर कर हैरत जदा रह गए ये क्या हुआ महाराज रतन सिंह और विक्रम सिंह बैक वक्त बोले आपकी आन पर मैंने अपने प्राणों की बलि चढ़ा दी भोर होते ही आपको आश्रम में, में मेरा मुर्दा जिस्म नजर आता वो तो देवताओं की कृपा थी के सिर्फ मेरे मुख पर ही ये आफत टूट पड़ी वरना पूरा शरीर जलकर राख हो चुका होता मैं राजदूत के दिल पर अपना मंत्र आजमा रहा था कि आंखों के सामने अचानक खम श्याम का मंदिर उभर आया और फिर मंदिर के एक कमरे में आनन्द पाल का चेहरा दिखाई देने लगा यह बड़ी अनोखी बात थी आज तक ऐसा नहीं हुआ था मैंने राजदूत को छोड़ दिया और उस गुनहगार के बारे में सोचने लगा जो सम्राट के सारे परिवार को तबाहो बर्बाद कर देना चाहता है मैं पलट पड़ा और आधी रात को आनन्त पाल के पास पहुंचा उसने अपनी शक्ति के बल पर मेरा चेहरा जला दिया फिर एक बड़ी लड़ाई के बाद मैंने उसे बेहोश कर दिया बेसुध होकर वो चीखने लगा सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी चितौड़ की बुनियादें उखाड़ फेंकेगा रानी पद्मी का बड़ा अपमान होगा और राजा रतन सिंह को बंदी बना लिया जाएगा इतना कहकर रामदेव खामोश हो गया और राजा रतन सिंह के चेहरे पर अपने झूठ का रद्द अमल तलाश करने लगा बहुत हो चुका राजा रतन सिंह जज्बात से मगलूब होकर चीखने लगा हमसे बड़ी भूल हो गई कि उस पापी के प्राण नहीं छीने पिताजी ठीक ही कहते थे कि दुश्मन को घात लगाने का दूसरा मौका नहीं देना चाहिए फिर भी वो भागकर कर कहां जाएगा हमारे हाथ सबसे लंबे हैं और हमारी तलवार की चमक से बिजली भी डरती है हम अनंत को ऐसी सजा देंगे कि उसके बाप की आत्मा भी कांप उठेगी ये कहकर रतन सिंह महामंत्री से मुखातिब हुआ विक्रम सिंह अनंत को कम श्याम के मंदिर से पकड़कर महाराज के आश्रम में ले आओ आज रात हम उसकी मौत का जश्न मनाएंगे राजा रतन सिंह का हुक्म सुनते ही महामंत्री उस मखसूस कमरे से बाहर निकला और अपने घर की तरफ रवाना हो गया विक्रम सिंह का मकान राजमहल के दरमिया हिस्से में वाक़ था मुख्तसर सा फासला तय करते हुए भी विक्रम के जहन में एक हशर सा बरपा था और सीने में एक आग सी लगी हुई थी वो जी तौर पर सन्यासी आनन्द पाल का बहुत एहतराम करता था और आज वही मोहतरम शख्सियत राजा रतन सिंह के कहर गजब का निशाना बनकर दुनिया से रुख्सत हो जाने वाली थी विक्रम सिंह किसी मुलाजमा या खादिमा से कुछ कहे बगैर सीधा अपने कमरे में दाखिल हुआ और बिस्तर पर दराज हो गया विक्रम सिंह की आमद ने आनंद भवन में एक हलचल सी मचा दी थी आनंद भवन विक्रम सिंह के मकान का नाम था जिसमें वाकता दुनिया की हर लज्जत और आसाइश मौजूद थी विक्रम सिंह एक खानदानी राजपूत था उसके बुजुर्ग सदियों से हकूमत के बड़े बड़े ओहदों पर फाइज चले आ रहे थे रानी पदमनी उसके हकीकी बड़े भाई की बेटी थी रानी चितौड़ का चच्चा होने के बायस उसके असर रसूख में मजीद इजाफा हो गया था वो एक होशमंद और मुदबिर वजीर आजम था उसने बेशतर मौके पर अपनी फितरी जहानत से कई बिगड़े हुए काम संवारे थे लेकिन जब से सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का सफी चित्तौड़ आया था उसी दिन से मसाइल उलझते जा रहे थे और आज विक्रम सिंह के लिए एक अजीत नाक मरहला आ पहुंचा था क्या मैं हाजिर हो सकती हूँ कमरे के दरवाजे पर एक शीरी आवाज उभरी आने वाली लड़की विक्रम सिंह की लायक बेटी निर्मला कुमारी थी मैं गुजश्ता पंद्रह बीस दिन से देख रही हूँ कि आप दिन रात किसी अजियत ना ख्याल में खोए रहते हैं पहले मुझे शक था कि कोई तकलीफ दे मरहला दरपेश है जिसे आप मुझसे छुपाना चाहते हैं मगर आज बेवक्त की आमद और चुपचाप कमरे में दाखिल होकर महसूर हो जाना इस बात की लामत है कि वो मसला अपनी उलझनों की इंतहा को पहुंच चुका है यह कह कहकर निर्मला कुमारी खामोश हो गई और अफसरदा निगाहों से बाप के चेहरे को देखने लगी आपकी बेपनाह मोहब्बत ने मुझे एक पुरमाद जिंदगी बख्शी अब निर्मला रोने लगी थी और उसकी आवाज़ से लर्जिश साफ नुमाया थी माँ के इंतकाल के बाद आपने उनके हिस्से की मोहब्बत भी मेरे नाम कर दी हर कदम पर अपने साथ साथ रखा और हर सियासी मसले पर गुफ्तु करके मुझे हौसला दिया कि मैं खारजार जिंदगी के मिजाज और मौसम से आशना हो जाऊं फिर आज आप सोचों का यह अजाब तनहा क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं क्या अब मैं इस काबिल नहीं रही या वो मसला मेरे जहन की सतह से बुलंतर है निर्मला कुमारी ने बड़े दुख भरे लहजे में अपने बाप से सवाल किया नहीं मेरी बेटी ऐसा नहीं है विक्रम सिंह निर्मला कुमारी के दिल पिघला देने वाली गुफ्तगु सुनकर सख्त इस तराब का शिकार नजर आने लगा मैंने तुम्हें चितौड़ की सियासत से हर कदम पर बाखबर रखा है मगर इंसान की जिंदगी में कुछ ऐसे लम्हात आ जाते हैं कि वो बाज अमूर को अपने आप से भी छुपाने लगता है महामंत्री की आंखों में उलझन और परेशानी का गहरा रंग नुमाया था मैंने कई बार चाहा कि तुम्हें इनकलाब की उन गर्म हवाओं के बारे में भी तफसील से सब कुछ बता दूं, जो करीब चितौड़ का रुख करने वाली हैं। मगर मैं यही सोचकर खामोश रहा कि कहीं उन हवाओं का जिक्र तुम्हारी आंखों से नींदे ना छीन ले और जवानी की वो तमन्नाएं जिनके सीने पर एक जख्म पहले ही लग चुका है कहीं मजीद जख्मों से लाला रंग न हो जाए विक्रम सिंह ने बातों ही बातों में अपनी बीवी संध्या कुमारी की मौत का जिक्र कर दिया था उस वक्त निर्मला कुमारी की उम्र पाँच छह साल थी संध्या के इंतकाल के बाद विक्रम सिंह ने दूसरी शादी नहीं की थी और अपनी इकलौती लड़की निर्मला को मुसलसल 20 साल तक एक बेटे की तरह तरबियत दी थी चित्तौड़ के आलिमों से बेहतरीन तालीम दिलाई थी और खुद अपनी निगरानी में तमाम फनुने जंग सिखाए थे इसके अलावा विक्रम सिंह फुर्सत के औकात में निर्मला कुमारी से सियासत के मौजू पर भी तफसीली गुफ्तगू करता था बेटी को ज़माने के नशेब व फराज समझाता था और एक रहम दिलाना जिंदगी गुजारने की तलकिन भी करता था उसे जाती तौर पर राजपूतों के निजामे तशद से नफरत थी मगर वक्त ने उसे इकतदार के हाथों का खिलौना बना दिया था उन मजबूरियों के बावजूद विक्रम सिंह निर्मला कुमारी को मुतवाजन और मुनसिफाना जिंदगी के आदाब सिखाता रहता था मगर जब से अलियामिर आफरीदी सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का पैगाम लेकर चितौड़ आया था उस दिन से विक्रम सिंह ने खामोशी इख्तियार कर ली थी अगर कभी निर्मला ने बाप से उस सियासी सूरत हाल के बारे में कुछ पूछा भी तो उसने ये कहकर टाल दिया कि कोई खास बात नहीं दिल्ली और चित्तौड़ के सियासी तल्लु का मसला है जो आसानी के साथ हल हो जाएगा मगर रामदेव की मुदाखलत ने मामला को इस कदर बिगाड़ कर रख दिया कि हर गुजरने वाला लम्हा नई सूरत अख्तियार करने लगा और हर सूरत इतनी खौफनाक होती चली गई कि निर्मला से उसका जिक्र करना किसी तरह भी मुनासिब नहीं था विक्रम सिंह खामोशी से अपने फरज़ अंजाम देता रहा लेकिन आज जब सन्यासी आनन्द पाल की मोहतरम शख्सियत साजिशों का हदफ बन गई तो विक्रम सिंह अपने जज्बात पर काबू न रख सका और उसके चेहरे पर गहरे रंजो आलम की परछाइयां लरजने लगी यही वो संगीन साहतें थी जिन्हें निर्मला कुमारी ने अपनी जागती आंखों से विक्रम सिंह के चेहरे पर पढ़ लिया था और बेटी अपने बाप को एक नामालूम अजियत में मुबतला देख कर पुकार उठी थी क्या मैं आपकी बेटी नहीं जो मुझसे इस तरह राजदारी बरती जा रही है विक्रम सिंह निर्मला के लहजे की शिद्दत को महसूस किए बगैर नहीं रह सका और फिर उसने अपनी बेटी को आमिर की आमद से लेकर राजा रतन सिंह के मौजूदा फैसले तक तमाम वाक्यात सुना डाले आप अलाउद्दीन खिलजी के सफीर को रानी पदमनी के सामने पेश क्यों नहीं कर देते बेटी तुम इस नाजुक मामले को नहीं समझती विक्रम सिंह ने निर्मला कुमारी को टालने की कोशिश की ये तो बड़ी नादानी है कि हम मफरूजात में उलझकर वक्त बर्बाद करते रहे निर्मला कुमारी अपनी कम उम्र के बावजूद निहायत मुदबिराना अंदाज़ में बोल रही थी अगर कोई शख्स हमारी मौत की खबर लाता है तो हमें पूरे हौसले के साथ उस खबर को सुनना चाहिए इस तरह फायदा ये होगा कि हम तमाम तर कुतों और तदबीरों के साथ अपनी जिंदगी का तहफ़ कर सकेंगे अगर फिर भी मौत हम पर गालिब आ जाए तो ये कोई अजीब बात नहीं होगी कि दुनिया में रोजाना हजारों लाखों इंसान मरते रहते हैं निर्मला कुमारी ने एक मजबूत दलील के साथ अपने बाप को कायल करने की कोशिश की थी आफरीदी का मसला हल हो सकता है मगर मैं उस शख्स की जान किस तरह बचाऊं जिसकी जिंदगी की सांसों का शुमार खत्म होने वाला है विक्रम सिंह ने गुफ्तु का रुख दूसरी तरफ मोड़ दिया था बेटी अगर अनंत पाल को कत्ल कर दिया गया तो वो लोग भी जीते जी मर जाएंगे जो इंसानी किरदार की असलाह के लिए मुखालिफ हवाओं से जंग कर रहे हैं ये गिनती के दो चार चिराग हैं जो आंधियों के रुख पर होते हुए भी अपनी थरथराती लोग को इस उम्मीद पर बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद हवाओं का तूफान थम जाए और अंधेरों के मुसाफिर रोशनी की उस लकीर के सहारे अपना रास्ता तलाश कर लें सन्यासी चराग नहीं रोशनी की एक कंदील है अगर कंदील ही बुझा दी गई तो ये टिमटिमाते दिए जुलमतों से किस तरह नबरदाजमा होंगे आप उस कंदील को बचाने की भरपूर कोशिश कीजिए निर्मला ने बेझिझक होकर बाप से कहा अगर कोई हलाकत खेस झोंका कंदील की तरफ बढ़े तो आप अपनी पुष्ट उसकी जानब कर दीजिए यह आपका फर्ज है सन्यासी के गयान ने उसे कत्ल की मंजिल तक पहुंचा दिया है विक्रम सिंह शदीद बेचैनी के आलम में बिस्तर से उठकर खड़ा हो गया और फिर पुष्प पर अपने दोनों हाथ बांध कमरे में टहलने लगा जूठो की बस्ती में सच्चे ज्ञान का यही अंजाम होता है राजपूत सम्राट तो एक होशमंद फरमा रवा है उन्हें सन्यासी की सच्ची बातों को बर्दाश्त करना चाहिए सन्यासी आनंद पाल कहते हैं की चितौड़ तबाहो बर्बाद हो जाएगा विक्रम सिंह ने इस तरह जवाब दिया जैसे वो सरगोशियां कर रहा हो सन्यासी ने यह भी कहा है कि राजा रतन सिंह और रानी पदमनी की बड़ी रुसवाई होगी अब तुम ही बताओ कि यह बातें सुनने का हौसला किसमें है मेरे नज़दीक तो सन्यासी काबिल एहतराम है कि वो वक्त से पहले सैलाब की खबर दे रहे हैं निर्मला कुमारी की बातों में वही सादगी और वही मासूमियत थी लोग सैलाब की खबर सुनने के लिए तैयार नहीं वो हुक्मरान हो या आवा हर शख्स चाहता है कि नदियां बहती रहें गुनगुनाती रहें किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि पानी के तरन्नुम रेस धारों को बला की शक्ल में देख सकें महामंत्री बार बार अपने हाथों को रगड़ रहा था कोई भी सन्यासी का एहसान मानने के लिए तैयार नहीं सब के सब उसे अहमक कहते हैं गुनहगार समझते हैं आनंद पाल जैसे पागल को इस होशियार दुनिया से जाना ही होगा विक्रम सिंह को मुस्तरिब देख निर्मला कुमारी घबरा गई अगर आप राजा रतन सिंह से सन्यासी के लिए रहम तलब नहीं कर सकते तो मैं रानी पद्मनी से बात कर सकती हूँ आखिर वो मेरी बहन भी है नहीं निर्मला हरगिज नहीं विक्रम सिंह ने तेज आवाज में कहा कूचाई इकतदार में दाखिल होने वाले का किसी से कोई रिश्ता बाकी नहीं रहता पद्मनी को अपने नाजो अदा और गरूरे शाहाना की नुमाइश ही से फुर्सत नहीं वो सन्यासी के असरार को क्या समझेगी वो तो खुद चाहती है कि सिर्फ उसके इशारों पर नाचने वाले जिंदा रहें। आनन्द पाल उसकी से चश्म पर रक्स नहीं कर सकता इसलिए उसे कत्ल होना ही पड़ेगा यह कहकर विक्रम सिंह कमरे से बाहर आया और फिर तवील राहदारियाँ तय करता हुआ अपने मकान से निकलकर राज दरबार के उस हिस्से में चला गया जो महामंत्री के लिए मखसूस था कुछ देर बाद विक्रम सिंह ने अपने खास के चार सिपाहियों को तलब किया और उन्हें मुखातिब करते हुए कहा तुम लोग खम श्याम के मंदिर जाकर सन्यासी आनंद पाल को एहतराम के साथ ले आओ उनके पैरों में बेड़िया ना डालना कि वो कोई मफरूर मुजरिम नहीं और उन्हें ईज्जा भी ना पहुंचाना कि वो कोई कातिल या गद्दार नहीं जब रियासत चितौड़ के सिपाहियों ने खम श्याम के मंदिर पहुंचकर सन्यासी आनंद पाल के दरवाजे पर दस्तक दी तो फौरी तौर पर कोई जवाब नहीं आया सिपाहियों ने चाहा कि वो सन्यासी के कमरे का दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हो जाएं, मगर फिर उन्हें महामंत्री की हिदायत याद आ गई दोबारा दस्तक दी गई अंदर सकूत तारी रहा तीसरी दस्तक पर सन्यासी की झुंझलाई हुई आवाज उभरी तुम लोग कौन हो जो मुझे मरने भी नहीं देते वापिस जाओ कि मैं किसी से नहीं मिल सकता हम राजपूत सम्राट रतन सिंह के सिपाही हैं और आपको राजमहल ले जाने के लिए आए हैं एक सिपाही ने अपने आने का मकसद बयान किया मैं किसी सम्राट को नहीं जानता आनंद पाल की आवाज़ में झुंझुलाहट के साथ गुस्सा भी शामिल हो गया था रतन सिंह से कह दो कि मैं उसका मुलाजिम नहीं हूँ सिपाही कुछ देर के लिए जहनी कश्मकश का शिकार हो गए एक तरफ उन्हें अपनी नाजुक तरीक जिम्मेदारी का एहसास था और दूसरी तरफ महामंत्री विक्रम सिंह के हिदायत हिदायतनामे का बिलाखिर दूसरे सिपाही को साफ साफ कह देना पड़ा सन्यासी खामोशी के साथ बाहर निकला राजा रतन सिंह की तरफ से तुम्हारी गिरफ्तारी का हुक्म दिया गया है तुम्हें इसी वक्त दरबार में हाजिर होना है अगर तुमने पसोपेट से काम लिया तो हम दरवाज़ा तोड़ देंगे ठहरो तुम्हें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी यकयक अनंत यक पाल की आवाज़ पुरसकून महसूस होने लगी थी तुमने पहले क्यों नहीं कहा कि मेरी मौत का पैगाम लेकर आए हो चंद लम्हे इंतजार करो मैं अभी आ रहा हूँ ये कहकर सन्यासी अनंत पाल ने गोशे में पड़ा हुआ कपड़े का वो जोड़ा उठाया जिसे उसने अपने हाथ से कल ही धोया था फिर वो दरवाजा खोलकर इतमान से बाहर आया और सिपाहियों को मुखातिब करके बोला वो सामने तालाब है मैं भी स्नान करके वापिस आता हूँ सिपाही तालाब के किनारे पहुँच कर की और, की और मैं भी बेदस्तो पाऊँ तू तो कितना ही चमके मगर इस नगरी के बासी अंधे हैं उन्हें कुछ नजर नहीं आएगा के इनका मुकदर ही अंधेरा है मैं कितना ही चीखू लेकिन इस बस्ती के रहने वाले निपट बहरे हैं उन्हें कुछ सुनाई नहीं देगा कि उनके कानों पर सदा से झूठ का पहरा है मैं अपने सफर पर जा रहा हूँ तू भी अपनी मंजिल की तरफ चला जा सिपाहियों को ऐसा लगा जैसे सन्यासी सूरज से बातें कर रहा हो मगर एक सच्चे इंसान के इशारों का रम्स कौन समझता दुनियादार तो उसे पागल ही समझ रहे थे फिर वो पागल शख्स राजा रतन सिंह के सिपाहियों को देखकर हंसा और चुपचाप उस रथ पर बैठ गया जो मंदिर के दरवाजे पर खड़ा था सिपाहियों ने सन्यासी को रामदेव के आश्रम में पहुंचाकर महामंत्री को इतला दी विक्रम सिंह ने बड़े हौसले के साथ ये जागोदास खबर सुनी और सिपाहियों को हाथ के इशारे से चले जाने के लिए कहा चितौड़ के जान निसार सिपाही ये मंजर ना देख सके कि चट्टानों जैसे आसाब रखने वाला विक्रम सिंह चुपचाप रो रहा है फिर जब विक्रम सिंह अपने कमरे में आया तो निर्मला कुमारी उसकी मुंतजिर थी निर्मला बाप की आंखों में आंसू देखकर बेकरार हो गई पिताजी आप रो तो सकते हैं मगर फरियाद नहीं कर सकता विक्रम सिंह ने निर्मला की अधूरी बात को मुकम्मल करते हुए कहा हाँ बेटी मैं सन्यासी के साथ होने वाली बदसलूकी पर चीखना चाहता हूँ तो फिर चीखिए निर्मला ने बड़े जज्बाती लहजे में कहा इतनी जोर से चीखिए कि आपकी आवाज़ राजपूत सम्राट रतन सिंह तक पहुंच जाए यही आपके चीखने का वक्त है अगर इस वक्त महान पुरुष को कुछ हो गया तो फिर सारे चितौड़ की चीखें भी ला हासिल होंगी राजा रतन सिंह को अपनी खिदमात याद दिलाइए और उन्हीं खिदमात के सिले में सन्यासी आनंद की जिंदगी मांग लीजिए यह आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा कारनामा होगा तख्त ख्त मनसब बहुत अहमियत रखता है और अंधेरे रोशनी को निकल लेंगे निर्मला की आवाज में दिल का शामिल था। नहीं। मैं कुछ नहीं कर सकता विक्रम सिंह की आवाज में लर्जिश थी इकतदार की हवस ने आपकी जबान को जंजीर पहना दी है इसलिए आप राजा के सामने आनन्द पाल की सच्चाइयों का एतराफ़ नहीं कर सकते निर्मला का लहजा मध्यम था मगर अल्फाज नश्तर बन गए थे निर्मला अचानक विक्रम सिंह चीख उठा मैंने तुम्हें बेअदबी की तालीम नहीं दी थी फिर तुम्हारी बातों में गुस्ताखी का यह रंग किस तरह शामिल हो गया तुम फौरन मेरे कमरे से निकल जाओ और मुझे तन्हा छोड़ दो हसास बेटी बाप की कैफियत बर्दाश्त न कर सकी और दौड़कर विक्रम सिंह के कदमों से लिपट गई महामंत्री ने निर्मला के सर पर हाथ रख दिया बेटी तुझे खबर नहीं कि तेरा बाप कैसी आफतों के दरमियान गिरा हुआ है शायद मैं सन्यासी के लिए अपनी जान भी दे देता मगर मैं जानता हूं कि उसके बाद भी आने वाला तूफान नहीं रुकेगा जिस तूफान को रोकने के लिए मैं अपनी जिंदगी की बाजी खेलूंगा उसी तूफान के शिकम से एक और तूफान पैदा होगा उस तूफान की फिती हलाकत खेज होगी मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता किसी को मेरी मजबूरियों का इल्म नहीं मैं तुझे भी नहीं बता सकता कि वो तूफान कैसा होगा बस अब चली जाओ और मुझे तनहा छोड़ दे आने वाली स्याह और खूनी रात में कोई किसी का दोस्त नहीं रहेगा निर्मला कुमारी रोती हुई उठी और बाप को अनजानी में मुब्तला छोड़कर चली गई निर्मला के जाते ही विक्रम सिंह ने दरवाजा बंद कर लिया फिर एक खुफिया तिजोरी खोलकर शराब की बोतल निकाली और उस नशा आवर सियाल से, से अपना हलक तर्क करने लगा विक्रम सिंह आदि शराबी नहीं था उसने अपनी जिंदगी में दूसरी बार दुख्तरे अंगूर को मुंह लगाया था एक बार उस वक्त जब उसकी महबूब बीवी संध्या का इंतकाल हुआ था शरीक हयात की मोहब्बत आमेज ज्यादों से पीछा छुड़ाने के लिए और ज़ख्म फ़िराक की सोजिश को कम करने के लिए उसने मुसलसल एक हफ्ते तक शराब नोशी की थी उसके बाद जब विक्रम सिंह का दिल संभल गया तो उसने सागर सुराही को तोड़ दिया और मामूल के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने लगा अला तरीन शराब का एक बड़ा जखीरा उसकी खुफिया तिजोरी में हर वक्त मौजूद रहता था कभी कभी विक्रम सिंह किसी नशस्त में अपने मखसूस दोस्तों को शराब पेश करता था मगर खुद उसके होंठ आलूदा नहीं होते थे वो कैफो सरूर और रक्सो शबाब की महफिलों से बहुत दूर रहता था मगर आज विक्रम सिंह ने दूसरी मरतबा बादबूब तरीक हस्ती उससे बिछड़ जाने वाली थी विक्रम सिंह सन्यासी आनन्द पाल का खामोश पुजारी था राजा रतन सिंह का मातूब होने की वजह से विक्रम सिंह सन्यासी से बाहिर कोई रस्म और राह नहीं रखता था मगर उसके जज्बाते अकीदत हमेशा सन्यासी की बारगाह में खम रहते थे तौर पर उसका कायल था कि अगर सन्यासी के ज्ञान को अहले चितौड़ अपनी जिंदगी में शामिल कर लेते तो खून आशाम तहजीब का खात्मा हो जाता और कत्लगाहों में सुकून और रोशनी के फूल खिल उठते मगर इस नगरी के बासी रामदेव के सिफली मुजाहिरों के दीवाने थे और आनंद पाल जैसा अहले दिल राजपूतों की बस्ती में अछूत बनकर रह गया था विक्रम सिंह फिर भी खुश था कि कम से कम आनन्द पाल जिंदा तो है इंसानियत की कोई इलामत कहीं नज़र तो आती है लेकिन आज सच्चाई की वही इलामत और किरदार की वही निशानी बुझ जाने वाली थी इसी संगीन वक्त का एहसास करके विक्रम सिंह गमजदा हो जाता था और फिर वो गम इस कदर बढ़ा के महामंत्री घबरा कर पीने लगा विक्रम सिंह चाहता था कि आज की रात वो घर के मैं आब होकर अपने हवास खो बैठे और रामदेव के आश्रम में जो हादसा पेश आए विक्रम सिंह उसका तमाशा ना हो मगर महामंत्री यहाँ भी बेख्तियार था वो जानता था कि राजा रतन सिंह उसकी मौजूदगी ही में गुनाह का ये खेल खेलेंगे इसलिए विक्रम सिंह का होश में रहना भी जरूरी था अगर वो होश खो देता तो रामदेव और दिगर मुखालफी उसकी बदमस्ती के अजीब अजीब मफहम तराशते और फिर विक्रम सिंह पर एक नई कयामत नाजिल हो जाती बेटी मैं तुझे कैसे समझाऊँ विक्रम सिंह बंद कमरे में आहिस्ता आहिस्ता बोल रहा था अगर मैं सन्यासी की जिंदगी बहाल रखने के लिए राजा रतन सिंह से सिफारिश करता हूँ तो चित्तौड़ का हुक्मरान और रानी पदवनी दोनों मेरे दुश्मन हो जाएंगे रामदेव पहले ही मेरे ताकुब में है वो चाहता है कि किसी मकाम पर मेरे कदम लड़खड़ाएं और मैं उसकी नफरतों का शिकार हो जाऊं। अगर इन तीनों की नफरतें मेरी जान लेने के बाद भी खत्म हो जाएं तो मैं अनंत पाल पर कुर्बान होने के लिए तैयार हूँ मगर मुझे खबर है कि उनकी नफरतें फना नहीं होंगी मेरे मरते ही वो तुझे अपनी नफरतों का निशाना बना लेंगे तू उन्हें नहीं जानती की वो कौन लोग हैं वो सनियासी को किसी भी हालत में जिंदा नहीं छोड़ेंगे सन्यासी का सबसे बड़ा जुर्म यह है कि वह बदसूरतों के शहर में आईना है तूने गौर से नहीं देखा कि हर हाथ में एक पत्थर है मैं किस किस के हाथ को रोकूं? मेरी मजबूरियों को कोई नहीं समझ सकता विक्रम सिंह की आंखें अश्कबार थी और वह शदीद आलम इस तराब में अपने सर के बालों को नोच रहा था फिर वो बिस्तर पर पड़ी बेतरतीब हालत में गिर गया शराब आहिस्ता आहिस्ता असर कर रही थी और रात के अंधेरे गहरे होते जा रहे थे यहाँ तक कि विक्रम सिंह की आंख लग गई ख्वाबों के जजीरे में दाखिल होते ही विक्रम सिंह ने देखा कि वो जमीन के एक खुश्क हिस्से पर तनहा खड़ा है और उसके चारों तरफ लामहदूद पानी का पुरशोर सुबंदर है मरते हुए सांपों की तरह पेचोताब खाती हुई उसकी तरफ बढ़ती हैं मगर अचानक वापस लौट जाती हैं। फिर ना कहा वो सारा पानी इंसान के ताज़ा खून की तरह सुर्ख हो गया और मोजों ने सर से बुलंद होकर विक्रम सिंह को अपनी बेरहम आगोश में छुपा लिया खौब इस कदर डरावना था कि खौफ से विक्रम सिंह की चीख निकल गई और वो अपनी ही चीख की आवाज से जाग उठा विक्रम सिंह ने धुंधली आंखों से वहशत अंदाज में इधर उधर देखा खूनी समंदर की गिरफ्त से बहुत दूर अपने कमरे में मौजूद भी था और महफूज भी मगर दरवाजे पर मुसल दस्तक सुनाई दे रही थी शराब के असर से अपना जिसम थका थका महसूस हो रहा था विक्रम सिंह ने खुद को संभाला और दरवाजा खोल दिया बाहर निर्मला कुमारी सर झुकाए खड़ी थी आपको राजा रतन सिंह याद कर रहे हैं निर्मला ने आहिस्ता से कहा राजपूत सम्राट का हुक्म है कि आप महाराज रामदेव के आश्रम में पहुंच जाएं। तुम जाओ विक्रम सिंह ने बेटी से कहा और अंदर वापस चला गया महामंत्री की जाहरी हालत बिगड़ी हुई थी उसने लिबास तब्दील किया कुछ देर तक मुंह धोता रहा इससे चेहरे पर ताजगी तो नुमाया हुई मगर आंखों के खुमार को छुपाना मुमकिन नहीं था गरज इस नीम मस्ती के आलम में विक्रम सिंह अपने मकान से निकला और राजमहल की मुख्त राजो से गुजरता हुआ उस सुनसान इलाके में पहुंच गया जहां रामदेव का आश्रम तलिस्मो साहिरी से आबाद था आश्रम में दाखिल होते ही विक्रम सिंह ने तीन कुर्सियों पर राजा रतन सिंह रानी पदमनी और रामदेव को बैठे हुए देखा चौथी कुर्सी खाली थी रामदेव बात बात पर कह कह लगा रहा था और राजा रतन सिंह भी उसकी बेहंगम हंसी में बराबर का शरीक था अलबत्त रानी पद्मनी के होंठों पर हल्की सी गर आमेज मुस्कुराहट थी जिससे उसकी बेपनाह खुशी का इजहार होता था विक्रम सिंह चितौड़ के हुक्मरानों के सामने जाकर ठहरा और निसफ कद तक खम होकर राज दरबार की रस्म अदा की और फिर उसने नफरत और कराहियत के साथ महाराज रामदेव के कदमों पर सर रख दिया उस वक्त चित्तौड़ के यही यादाब थे कि राजपूत रतन सिंह और रानी पद्मनी के सामने खम होते थे मगर महाराज रामदेव के कदमों पर सर रख कर उन्हें अपनी मुकम्मल इताद का मुजाहरा करना पड़ता था पूरी रियासत में सिर्फ रानी पद्मनी और राजा रतन सिंह को यह रियायत हासिल थी कि वो रामदेव के पाँव को छू कर ही अपनी अकीदत की नुमाइश कर सकते थे वरना सब के सब इस शोबदाबाज के सामने सर बसदा रहते थे विक्रम सिंह भी अपने सर को रामदेव के कदमों से मस करके उठा और आखिरी कुर्सी पर बैठ गया राजा रतन सिंह बहुत गौर से विक्रम का जायजा ले रहा था इंतहाई कोशिश के बावजूद महामंत्री के कदमों की लग्जिशें पोशीदा न रह सकी थी विक्रम सिंह अचानक राजा रतन सिंह की आवाज़ बुलंद हुई आज तो ऐसा लगता है कि तुमने भी तोबा तोड़ दी है अपने हुक्मरान की बात सुनकर विक्रम सिंह फौरन खड़ा हो गया सरसारी की कैफियत पर काबू पाया और रुक रुक कर कहने लगा आज के दिन मैं शराब कैसे नहीं पीता आज तो मेरे सम्राट की जिंदगी का सबसे बड़ा जश्न है नुसरतो कामरानी के ऐसे अज़ीम शान जश्न में बेखुद ना होना भी तो गुना है यही सोचकर मैं भी आपकी खुशी में शरीक हो गया विक्रम सिंह की जबान आलम जबर में झूठ बोल रही थी मगर अंदर ही अंदर उसके दिल पर नफरत और मलामत की संगबारी हो रही थी बैठ जाओ विक्रम सिंह राजा रतन सिंह ने इंतहाई मुसरत आमेज लहजे में कहा हम तुम्हारी वफादारियों पर नाज करते हैं तुम अपने सम्राट के हकीकी मिजाज से नाश हो अगर आज की रात तुम लड़खड़ाते हुए आश्रम में दाखिल नहीं होते तो हम समझते कि तुम्हें हमारे फैसले से कहीं ना कहीं कोई इख्तलाफ जरूर है मगर तुमने अपनी सदतमंदी और फर्मा बरदारी को अपने अमल से साबित कर दिया इतने में रामदेव के शैतान चेले सन्यासी आनन्द पाल को लेकर आए वो अजीब शान बेनयाजी के साथ कदम उठा रहा था जैसे उसके सामने चितौड़ का सम्राट नहीं कोई गुलाम बैठा हो आनन्द पाल तेरा बाप भी गद्दारे वतन था और तू भी राजा रतन सिंह जोश गज़ब में खड़ा हो गया आज हमें यह हकीकत मालूम हुई कि हमारे पूजिया पिताजी सम्राट समर सिंह ने तेरे बदकार बाप जोगी अमरपाल को क्यों कत्ल करा दिया था काश हम भी तुझे पहले ही कत्ल कर चुके होते तो ये दिन देखना ना पड़ते क्यों पिछताता है राजपूत सम्राट सन्यासी आनंद पाल के लहजे में बला का ठहराव था मैं गुजरा हुआ वक्त तो नहीं हूं कि वापस लौट कर ना आ सकूं सामने खड़ा हूं अपनी एक एक दिली ख्वाहिश पूरी कर ले मुझे तो खुद भी अफसोस है कि तेरे अहद में इतने दिन जिंदा क्यों रहा सन्यासी की इस गर्म गुफ्तारी ने राजा रतन सिंह के दिलो दिमाग जला डाले वो किसी वहशी की मानित चीखने लगा सिपाहियों इस पापी की वो जबान काट डालो जो हमारे तख्तो ताज और चितौड़ की तबाही के मन घड़त अफसाने सुनाती है जो राजपूतों की आन रानी पदमनी की जिल्लत और रसवाई की बेसरोपा कहानियां बयान करती है इसे इबरतनाक सजा दो सम्राट मेरी जबान तो कट जाएगी मगर तुझे वो राज कौन बताएगा जो दिल्ली से आए हुए राजदूत के सीने में छुपा हुआ है आनंद पाल एक, एक लफ्ज पर जोर देते हुए बोल रहा था वो राज जिसे जानने की कोशिश में महाराज रामदेव भी नाकाम हो गए सन्यासी, क्या तू उस राज को जानता है? राजा रतन सिंह चंद लम्हे पहले कहरो गजब का मुजस्मा नजर आ रहा था अचानक हैरत इस तेजाब के पैकर में ढल गया इस धरती पर मेरे सिवा उस राज को और कौन जान सकता है यह कहते कहते सन्यासी के चेहरे पर उसके इल्म का जलाल रोशन हो गया था मैं तुझे बता सकता हूं कि राजदूत रानी पद्मनी के लिए क्या संदेश लेकर आया है सन्यासी पाल की कि वो इस बिगड़ती हुई सूरत हाल को किस तरह संभाले नहीं राजपूत सम्राट हरगिस नहीं रामदेव का लहजा बहुत तेज था इस फरेबकार की बातों में नाना यह झूठ बोलकर अपनी मौत का वक्त टालना चाहता है महाराज आप सब कुछ जानते हैं मगर इतना नहीं जानते कि मौत का वक्त टाला नहीं जा सकता सन्यासी के लहजे में शदीद हकारत थी महाराज को यह भी नहीं जिंदगी पर राजपूत सम्राट को मुकम्मल इख्तियार होता तब भी मैं उससे अपनी जिंदगी की भीख नहीं मांगता मैं तो एक ही के सामने हाथ फैलाता हूँ और वो तुम अंधों को नजर नहीं आता आनंद पाल एक साहिब जलाल सन्यासी था मगर आज की रात वो हालत जमाल में जाहिर हुआ था आनन्द पाल के उसी ठहराव और इतमान को रामदेव मौत के खौफ से ताबीर कर रहा था मगर सन्यासी ने जल्द ही राजा रतन सिंह रानी पद्मनी और जादूगर रामदेव की सारी गलत फहमियां दूर कर दी वो चंद लम्हे खामोश रहकर दोबारा रामदेव से मुखातिब हुआ महाराज आप कुछ जानते हो या ना जानते हो मगर ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि सन्यासी की जुबान पर झूठ ठहर नहीं सकता अगर ये होठ मुनाफ़त का जायका एक बार चख लेते तो फिर आपका वजूद राजमहल की बजाय किसी शमशान में होता या फिर आप चितौड़ की गलियों में कशकोल लिए हुए दरवाजे दरवाजे एक रोटी का सवाल कर रहे होते ये रेशमी लिबास ये कीमती पत्थरों की मालाएं ये ताकतवर गिजाएं ये नरम बिस्तर ये शराब ये दासियां मेरे सच की देन है मेरे सच का नशेमन जला तो रयाकारों और मुनाफिकों के आशियानों पर बाहर आ गई सन्यासी के अल्फाज क्या थे भड़कती हुई आग की लपटें थी जिसने रामदेव की झूठी शख्सियत के गली स्पैरहन को जला डाला था सम्राट आप इस नमक हराम की बातें सुन रहे हैं रामदेव ने सन्यासी के सामने जिच होकर राजा रतन सिंह को पुकारा मैं किसी सम्राट का नमक नहीं खाता बल्कि पूरा चितौड़ मेरा नमक खाता है मेरी दुआएं इस जमीन के रहने वालों को रिस्क पहुंचाती है अगर मैं अपनी जबान बंद कर लूं तो चितौड़ के बासी भूखे मर जाएं। सन्यासी पाल पर अचानक मज्जुबाना कैफियत तारी हो गई थी और उसने अपने बाप अमर पाल की तरह दुनिया के हर इकतार को झुटला दिया था सन्यासी की शोला बयानी राजा रतन सिंह के लिए नाकबले बर्दाश्त थी हरफों की आग फैली तो राजपूत सम्राट के गरूर की कबा भी जल गई सन्यासी तो अपनी हद से गुजर गया यकयक यक राजा रतन सिंह चीख उठा तू नहीं जानता कि अगले पल क्या होने वाला है तुझे ये भी पता नहीं कि हम तेरे साथ क्या बर्ताव करेंगे मौत सिर्फ मौत तू तो इससे ज्यादा बुरा सलूक नहीं कर सकता सन्यासी ने एक शान नयाजी के साथ राजा रतन सिंह को सर से पाओ तक देखा जल्दी करके इस नापाक मकाम पर मेरा दम घुट रहा है और राज का वो संदेश राजा रतन घबरा कर बोला आनंद पाल की मौत पर आमादगी ने चितौड़ के हुक्मरान को बदहावास कर दिया वो सब कुछ तुझे ये जादूगर बता देगा सन्यासी आनंद पाल ने रामदेव की तरफ इशारा करते हुए हकारत से कहा नहीं सन्यासी वो राज तेरी ही जबान से आशकार होगा तूने मुझसे वादा किया है और तू हर हाल में अपने अल्फाज का पाबंद है राजा रतन सिंह ने मजबूर होकर अपने गुस्से पर काबू पा लिया था और अब उसके लहजे में खुशामद शामिल हो गई थी रतन सिंह मैं तुझे खूब जानता हूँ तू मुझे मेरे सच की कसम दे रहा है और जब मेरी जबान से सच जाहिर हो जाएगा तो फिर तेरी अयार फितरत अपने मरकज की तरफ लौट जाएगी तू मुझे कत्ल करा देगा मैं जानता हूँ कि मेरे सच बोलने की यह आखिरी रात है इस अंधेरे के बाद मेरे लबों पर कोई रोशन हर्फ तलु नहीं होगा बेजुबानी ही बेजुबानी होगी उस जात की कसम जो पत्थरों में पोशीदा नहीं है मुझसे मेरी ताकतें गुफ्तार छीन ली जाएगी मेरे इशारों पर संग बारी और मेरे अल्फाज कत्ल कर दिए जाएंगे तो यही चाहता है और यही होगा सन्यासी के ज्ञान की आंख ने राजा रतन सिंह के कलबे स्याह का पर्दा चाक कर डाला था अगर तू अलाउद्दीन खिलची के खुफ़िया पैगाम को जाहिर कर दे तो कोई अजब नहीं कि मैं तुझ पर मेहरबान हो जाऊं रतन सिंह ने नई चाल चली मैं तेरी मेहरबानियों को अपनी ठोकरों पर रखता हूं अचानक आनन्द पाल की गर्दन में कजी नुमाया हो गई और नरम लहजे ने चट्टान का रंग इख्तियार कर लिया था भरे आश्रम में अपने शोहर की यह तस्लील देख रानी पदमनी भी खामोश ना रह सकी चित्तौड़ की तारीख गवाह है कि हमारे और करम की तहकीर करने वालों की सांसें ज्यादा नहीं होती क्या तूने अपने बाप के आखिरी लम्हात को फरामोश कर दिया रानी पद्मनी ने इंतहाई तयश के आलम में सन्यासी को उसके बाप अमरपाल का अंजाम याद दिलाते हुए कहा यह बात पुरानी हो चुकी है सन्यासी उस मकरूर औरत की मुतकबराना रविश देखकर यकायक मुस्कुराने लगा था बाप पर जो गुजरना था सो गुजर गई अब तो तेरी मुमलिकत के गुलामों को इससे दिलचस्पी है कि बेटे का क्या हशर होता है मैं तेरे बाजार सितम में अपनी सांसें फ़रोख्त करने आया हूँ अगर खरीद सकती है तो खरीद लें और मेरे बारे में ज्यादा ना सोच कि मैं तो हमेशा जान अपनी कोचाए कातिल में रखता हूँ रानी पद्मनी आनन्द पाल की इस गर्मी गुफ्तार की मुतहमल नहीं हो सकती थी उसने चीख कर सिपाहियों को हुक्म दिया सन्यासी के पापी शरीर को टुकड़ों में बांट दो पद्मनी के कहर नाक हुक्म पर सिपाहियों में हलचल तो हुई मगर वो सन्यासी अनंत पाल के लागर जिसम पर मशकें सेम ना कर सके उनकी आंखें राजा रतन सिंह के चेहरे पर मरकूज थी और समातों को चितौड़ के हुक्मरान की जुम्बी से लब का इंतजार था रानी पदमनी एक बार फिर अपने गजब का इजहार करना चाहती थी मगर राजा रतन सिंह ने उसका हाथ दबा दिया ये एक इशारा था कि वो होश और मसले से काम ले रानी पदमनी पेचोताब खाकर रह गई राजा रतन सिंह ने एक खुद गरज इंसान की तरह अपना लहजा बदल लिया सन्यासी मुझे या महाराज रामदेव को तुमसे लाख इख्तलाफ सही मगर तुम अव्वल व आखिर एक हिंदू हो और इस वक्त पूरी हिंदू कौम को अपने बदतरीन दुश्मन का सामना है रतन सिंह मुझसे खुले लफ्जों में बात कर मर्द पर्दे के पीछे बैठकर गुफ्तु नहीं करते सन्यासी आनंद पाल की मुस्कुराहट गहरी हो गई थी कभी अपने दिल की गुलामी करता है और कभी औरतों की ये बीच का रास्ता छोड़ दे इसी में तेरी भलाई है राजा रतन सिंह के दिल में कहरो नफरत का तूफान फिर उठा मगर मसलहत ने उसे दबा दिया सन्यासी बस मुझे इतना बता दे कि राजदूत दिल्ली से क्यों आया है और सुल्तान के क्या इरादे हैं मैंने अभी तक राजदूत को नहीं देखा फिर मैं किस तरह बता सकता हूं कि उसके दिल में क्या है आनंद पाल अपनी मौत से बेखबर मुसल मुस्कुरा रहा था मजबूरन राजा रतन सिंह ने सन्यासी को आफरीदी के कमरे में जाने की इजाजत दे दी रामदेव और महामंत्री विक्रम सिंह सब साथ, साथ थे फिर जब सन्यासी आनंद पाल रामदेव और विक्रम सिंह आश्रम के दरवाजे से निकलकर राजमहल की तवील राहदारी में दाखिल हो गए तो राजा रतन सिंह ने उन चारों सिपाहियों को हुक्म दिया कि वो बाहर पहरा दें सिपाहियों ने अपनी बरहना शमशीरों का रुख जमीन की तरफ कर दिया और गर्दनें झुकाए हुए चले गए अब आश्रम में मुकम्मल तन्हाई थी राजा रतन सिंह ने मोहब्बत आमेज नजरों से अपनी सरकश बीवी की तरफ देखा जिसे एहसास हुन और शिद्दत गजब ने दहकता हुआ अंगारा बना दिया था महारानी मेरी जहनी कश्मकश का अंदाजा करो और अपने इस गुस्से को फिर किसी मौसम के लिए उठा रखो चित्तौड़ का हुक्मरान बारगाहे हुसन में गदागरी कर रहा था मेरे दिलो दिमाग भी जल रहे हैं और तुम्हारे रुखसार भी फिर ये आग कहाँ ठहरेगी तुम अगर बरसात की घंघोर घटा की तरह नहीं बरस सकती तो फिर शबनम ही बन जाओ तुम्हारी ये हम वक्त की शोलगी एक दिन मुझे भी जला कर रख देगी रानी पदवनी की आंखों में घरुर ने अंगड़ाई ली और वो बेनाजाना मुंह फेर कर दूसरी तरफ देखने लगी मैं सब कुछ तुम्हारी खातिर कर रहा हूँ राजा रतन सिंह की आवाज सरगोशियों में बदल गई थी मैंने चितौड़ के तख्तो ताज को तुम्हारी गुजरगाहे नाज बना दिया है कि तुम जब चाहो इसे पामाल करती हुई गुजर जाओ मेरा राजपूती वकार तुम्हारे माथे की बिंदिया में सिमट गया है और मेरी शमशीर आबदार तुम्हारी चूड़ियों की खनक बनकर रह गई है फिर ये जा रहा बेरुखी कैसी और ये गमजा सफा क्यों तुम्हें एक लम्हे के लिए भी वक्त की संगीनी का एहसास नहीं होता कम से कम एक ही साथ के लिए अपनी जात के आईना खाने से निकल कर देखो कि खूनी हवाएं अपने दामन में कैसी कैसी भारी चट्टानों को लिए हुए तुम्हारे शीश महल की जानी बढ़ रही है सन्यासी से मुझे दिली नफरत है मगर मैं फिर भी उसके ज्ञान से फायदा उठाना चाहता हूँ इसमें कोई शक नहीं कि आनंद पाल का इल्म महाराज रामदेव से ज्यादा नहीं लेकिन कभी कभी कम जानने वाले भी कोई बड़ा राज जान लेते हैं शायद सन्यासी सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के इस खुफिया पैगाम तक पहुंचने में कामयाब हो जाए जिसे दिल्ली का राजदूत अपने मन के अंदर छुपाए हुए है हुसन के रोब ने उसे गिड़ पर मजबूर कर दिया था रानी पद्मनी ने एक अदाए दिलबरी के साथ अपने सर को जुम्बिश दी और ताब ना को बेदाग पेशानी पर बल डालते हुए कहा सम्राट अब इस खेल को खत्म हो जाना चाहिए महारानी यह किसी बाजीगर का खेल नहीं है राजा रतन सिंह पदमनी की तरफ झुकते हुए बोला यह इकतदार और हवस का खेल है यह आफात मसाइब का तमाशा है जिसने सिर्फ मेरा घर देख लिया है किसकी हवस और किसका इकतदार रानी पदमनी ने अपने पाए हिनाई से मखमली घास को मसलते हुए कहा अलाउद्दीन खिलची की हवस और दिल्ली का इकतदार राजा रतन सिंह यकायक जल उठा और उसने अपने गुस्से को काबू में रखने के लिए कुर्सी के दोनों बाजुओं पर हाथों की गिरफ्त इस कदर मजबूत कर दी कि रगे तक उभर आई मेरी समझ में नहीं आता कि आप एक अनसुने पैगाम से इतने खौफजदा क्यों हैं रानी पदमनी के लहजे की शोला रेजी बरकरार थी पदमनी में वो पैगाम सुनना नहीं चाहता जो एक गैर मर्द ने तुम्हारे लिए भेजा है बिलाखिर राजा रतन सिंह की कुवत बर्दाश्त जवाब दे गई तुम्हारा ये नाज ये गरूर ये एहसास बरतरी तुम्हें इतनी फुर्सत ही नहीं देता कि तुम अलाउद्दीन खिलजी की इस हरकत का मफहूम समझ सको अभी ये सवाल सिर्फ राजमहल के राजपूतों की आंखों में उभर रहा है सुल्तान ने राजा रतन सिंह के बजाय रानी पद्मनी को पैगाम क्यों भेजा कल यही सवाल चित्तौड़ के एक एक बाशिंदे की जबान पर होगा मैं उस वक्त से बहुत डरता हूँ सम्राट का खौफ बेहकीकत है रानी पदमनी के होंठों पर यकाया के एक फातेहाना तबस्सुम उभर आया था सुल्तान को किसी न किसी तरह पता चल गया होगा कि चित्तौड़ की असल हुक्मरान रानी पदमनी है इसीलिए अलाउद्दीन ने मेरे नाम अपना पैगाम भेजना मुनासिब समझा हुसन की सरकशी ने अजीब रुख इख्तियार कर लिया था राजा रतन सिंह ने बड़ी हैरत से अपनी बीवी का जवाब सुना दिलो दिमाग एक बार फिर जल उठे मगर उसने होशोहवास नहीं खोए इसमें कोई शक नहीं कि तुम मेरे दिल के साथ चितौड़ की भी हुक्मरान हो मगर सुल्तान की यह रविश आदाब सफारत के खिलाफ है इस रियासत का जाहिल तरीन फर्द भी तुम्हारी पेश करदा दलील को कबूल नहीं करेगा रतन सिंह ने पदमनी को समझाते हुए कहा भगवान के लिए अपना यह अंदाज फिक्र किसी पर जाहिर भी ना करना कि लोगों की उंगलियां हमारी इज्जत के पैरहन को तार तार करने के लिए बेकरार हैं रानी पद्मनी फितरतन एक जहीन औरत थी मगर राजा रतन सिंह की बेजा नाज बर्दारियों ने उसे बद दिमाग बना दिया था आज जब चित्तौड़ के हुक्मरान ने राजदूत के लाए हुए खुफिया पैगाम के सिलसिले में शकुको शुभहात का इजहार किया तो वो बुरी तरह चौंक उठी फिर आपने इस मसले का क्या हल तलाश किया है रानी पद्मनी के लहजे में ठहराव था मैंने इसी काम के लिए सन्यासी आनन्द पाल को राजदूत के पास भेजा है रानी पदमनी को पुरसकून देखकर राजा रतन सिंह भी मुतमई नजर आने लगा मैं चाहता हूँ कि तुम सबर से काम लो और सब लोगों के सामने सियासी मामला में मुदाखलत ना करो अगर सन्यासी आनंदपाल पाल ने राजदूत से वो राज उगलवा लिया तो यह हमारी बड़ी कामयाबी होगी इस तवील गुफ्तगु के बाद आश्रम की फिजा पर गहरा सकूत तारी हो गया था